नमस्कार दोस्तों, जनरली कहानियों में हम पास्ट की बातें करते हैं। आज मैं आपको ले चलता हूं फ्यूचर में, 2040 में। अब देखिए, 2040 में एक सज्जन ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं। वो ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं कि हे ईश्वर, ये तूने मेरे साथ क्या कर दिया? मैं तेरी इतनी आराधना, इतनी पूजा करता हूं, और तू मेरे साथ क्या कर रहा है? मैंने जिन जिन बैंकों में इन्वेस्टमेंट किया है, उनमें से कुछ बैंक बैंकरप्ट हो चुकी है। मैंने जहां जहां इन्वेस्टमेंट किया है, उसके जो रिटर्न्स मुझे आ रहे हैं, वो हर रिटर्न्स टैक्सेबल आ रहे हैं। मतलब 100 रुपए आते हैं तो आधे तो मेरे टैक्स में चले जाते हैं। हे ईश्वर, ये तू क्या कर रहा है? आज तक मैंने तुमसे कुछ नहीं मांगा, लेकिन आज मांगता हूं, मेरी इनकम टैक्स फ्री कर दे ईश्वर। ईश्वर हंसते हुए कहे कि बेटा, दीवार पिक्चर मैंने भी कई बार देखी है, तू हमेशा ही मुझसे कुछ ना कुछ मांगता रहा है, और मैं तुझे बिन मांगे देता रहा हूं। याद कर मार्च 2023 की बात, 17 साल पहले की बात याद कर। तेरे पास एक एजेंट आया था, और उस एजेंट ने तुझसे कहा था कि सर, इन्वेस्टमेंट कर लो 31 मार्च के पहले, जिंदगी भर तक टैक्स फ्री रिटर्न्स मिलेगा। तुमने टालते हुए कहा कि देख लेंगे बाद में। वो एजेंट मैं ही था। याद कर वो दूसरे एजेंट को जो तेरे पास आया था, और तूने उसे झूठ ही कह दिया कि सर, मेरे पास बैलेंस नहीं है अभी, जबकि तुम्हारे पास बैलेंस था और तुम मैनेज कर सकते थे। उसने तुझे ऑप्शन भी दिया था कि तुम मंथली, क्वार्टरली, कुछ भी छोटी सी अमाउंट डाल के इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, लेकिन तुमने बहाने कर दिए थे। वो दूसरा एजेंट भी मैं ही था। याद कर वो तीसरा एजेंट जिसने तुमसे कहा था कि सर, गवर्नमेंट गारंटी है, लाइफ टाइम गवर्नमेंट गारंटी मिलेगी, आप इसमें इन्वेस्टमेंट करो, हर साल टैक्स फ्री पैसा मिलेगा, लेकिन तुमने आधे परसेंट के लालच में किसी प्राइवेट बैंक में इन्वेस्टमेंट कर दिया, और वो बैंक बैंकरप्ट हो गई। मेरी गलती है? नहीं। और याद कर वो चौथे एजेंट को जिसको तुमने इतना परेशान किया, उस एजेंट ने तुम्हें 25 बार फोन किए, तुमने उसका फोन नहीं उठाया, इग्नोर किया, कम्युनिकेशन के सारे रास्ते बंद कर दिए। वो चौथा एजेंट भी मैं ही था। और ऐसे कई एजेंट जिनको तुमने बहाने दिए कि मेरा चाचा एजेंट है, मेरा मामा एजेंट है, मैं ट्रैवल कर रहा हूं, आज मैं बिजी हूं, जबकि तुम बिजी नहीं थे, तुम ट्रैवल नहीं कर रहे थे। वो सारे एजेंटों के रूप में मैं ही था। मैं तो हर पल तेरे साथ था बच्चे, लेकिन तू मुझे पहचान नहीं पाया। इस पर उस बंदे ने भगवान से माफी मांगी और ईश्वर से कहा कि हे ईश्वर, मुझे माफ कर दे, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई, अब तू कोई रास्ता बता। और ईश्वर ने उसे याद दिलाया कि अरे बेटा, तू तो 2040 में फ्यूचर में बैठा हुआ है, फटाक से प्रेजेंट में चले जा, 2023 मार्च में चले जा, अभी भी तू डिसीजन ले सकता है। और ईश्वर की बात सुनकर वो बंदा इमीडिएटली प्रेजेंट में आ गया। ओहो, अभी तो 31 मार्च है, अभी भी मेरे पास कुछ घंटे बाकी है, चलो अभी मैं अपने एजेंट को कॉल करता हूं। लेकिन हे भगवान, उस एजेंट ने मेरा फोन उठा लेना चाहिए अभी। तो दोस्तों, अब भी आपके पास कुछ घंटे बाकी है, अगर आपको डिसीजन लेना है तो आज ही लेना है, क्योंकि आज का एक डिसीजन आपकी पूरी जिंदगी बदल सकता है। आज का एक डिसीजन आपको पूरी जिंदगी टैक्स फ्री रिटर्न्स देगा। अभी डिसीजन लीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।